हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजीत राम और आज हम बताएंगे स्कूल में परिचारी भर्ती निकली है तो किस तरह आवेदन करें, कैसे आवेदन करें। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम सर्च मारेंगे RG2 NET और इस पर हम सर्च मारेंगे। तो चलिए गाइस हम सर्च मारने के बाद गूगल पर इस तरह से ऊपर में लिंक दिखाई देगा, तो गाइस हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद गाइस इस तरह से आपको दिखाई देगा, वेबसाइट खुल गया है। तो चलिए गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम नीचे आएंगे और नीचे में देखेंगे, देख सकते हैं इस तरह से साइट में सब इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ पर लेट्स अपडेट दे देता है, माने जो भी आने से पहले इसका लिंक दे दिया जाता है। तो चलिए गाइस हम यहाँ पर देखते हैं स्कूल में जो है दो तरह का वैकेंसी निकला हुआ है, तो हम उस तरह के बता देते हैं टोटल कितना वैकेंसी निकला है। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस बिहार पंचायत सहायक वैकेंसी 2022 बिहार में विद्यालय सहायिका की 1172 भर्ती पर पंचायत स्तर पर होगी। तो इस तरह पर उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही गाइस क्लिक करेंगे आपको दूसरा पेज इस तरह से खुलेगा। तो चलिए इस तरह से खुलेगा, तो गाइस देख सकते हो ऊपर में बिहार पंचायत सहायक वैकेंसी 2022 बिहार विद्यालय सहायक के 1172 भर्ती पर पंचायत स्तर पर होगी। तो चलिए गाइस यहाँ पर इस तरह से देख लिए। चलिए हम नीचे चलते हैं और नीचे चलने के बाद यहाँ पर देखेंगे किस तरह से आवेदन करें, कैसे आवेदन करें, पूरी जानकारी दे देंगे। तो चलिए गाइस नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर गाइस नीचे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको ये सब पढ़ सकते हैं चाहे तो। चलिए हम नीचे चलते हैं, आपको बता दें यहाँ पर गाइस देख सकते हैं पोस्ट नेम दे दिया है और पोस्ट नेम देने के बाद उसके बाद डेट दे दिया है, पोस्ट डेट कब से स्टार्टिंग है, और ये देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी भी दे दिया है और वैकेंसी जो है इस तरह का नाम जो भी वो भी दे दिया है। यहाँ पर गाइस टोटल पोस्ट देख सकते हैं विद्यालय सहायक कलर इस तरह से गाइस यहाँ पर दो वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस वो तो ये हो गया विद्यालय सहायक कलर के 1172 सीटी इसका हो गया है और टोटल यहाँ पर देख सकते हैं एक और है परिचारी आदेश पालक ने 1129 पदों वो भी निकाली गए हैं। तो गैस इस तरह से देख सकते हैं दोनों मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2300 कुछ वैकेंसी आता है। तो चलिए यहाँ पर गैस देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार इस तरह से। यहाँ पर गैस नीचे देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट भी दे दिए गए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट जाए तो यहाँ पर से जाके यहाँ पर नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं और वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो गैस चलिए अप्लाई मोड दे दिया गया है, देख सकते हैं पंचायत के माध्यम से होगी ये जो अप्लाई होगा, पंचायत के माध्यम से होगी ना कि था है इसका। तो चलिए गैस हम ये आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम नीचे चलते हैं और नीचे चलने के बाद यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं पोस्ट नेम दे दिया गया है और यहाँ पे एज भी दे दिया गया और सैलरी भी दे दिया गया है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं परिचारी को कितना वैकेंसी निकला है, तो यहाँ पर टोटल 1129 वैकेंसी निकला है। इसका एज की बात करें तो इसका न्यूनतम 18 और अधिकतम उम्र होगी जो राज्य के द्वारा समय पर निर्धारित होगा इस तरह से है गाइस। तो यहाँ पर इसका सैलरी जो है 15,200 होगा और यहाँ पर स्कूल कलर्स का होगा गाइस यहाँ पर 18 प्लस रहेगा और थोड़ा इसका जो सैलरी रहेगा 16,500 का सैलरी रहेगा। यहाँ पर गाइस अब टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पर टोटल पोस्ट देख सकते हैं 2301 वैकेंसी है। तो गाइस इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे जो है जनरल ओबीसी सब के लिए है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे
चलिए हम नीचे आते हैं, पहले नीचे आने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पोस्टर नेम दे दिया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें यहाँ पर गाइस तो परिचारी तो देख सकते हैं यहाँ केवल इसके लिए 10वीं पास मांग रही है। यहाँ पर 10वीं पास अपन स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर स्कूल सहायक क्लर्क से बात करें यहाँ में इसमें जो है कंप्यूटर भी मांग करता है। इसमें देखिए 12वीं पास इंटरमीडिएट कंप्यूटर 6 महीने के डिप्लोमा इस तरह से मांग करे गाइस। तो गाइस देख सकते हैं और उसके बाद नीचे आएंगे अब किस जिले का लिस्ट है यहाँ पर किस ज़िले में कितना वैकेंसी निकला है वो पूरा डिटेल से दे दिया है। जैसे कि देख सकते हैं वैशाली में टोटल इतना 42 वैकेंसी निकला है और कलर्स में 25 वैकेंसी में इस तरह से सभी ज़िले के यहाँ पर दे दिए गए हैं बिहार में। तो चलिए गाइस यहाँ पर आप पूरा जानकारी यहाँ से ले लीजिएगा, देख लीजिएगा अपने ज़िले में कितना वैकेंसी निकला है उस तरह से आप अप्लाई कर दीजिएगा, ब्लॉक जाके अपना फॉर्म फिल कर देना है। तो चलिए गाइस हम नीचे चलते हैं और नीचे चलने के बाद यहाँ पर यह सब पूरा देख लीजिएगा किस ज़िले में देख सकते हैं किस ज़िले में कितना सीट है वो पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। तो चलिए गाइस हम आपको बता देते हैं, लिंक दिखा देते हैं और नोटिफिकेशन को आप हम दिखा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नीचे चलेंगे और नीचे चलने के बाद यहाँ पर चलिए नीचे चलते हैं। ये सब पूरी जानकारी वैसे दे दिए, यहाँ पर देख सकते हैं पेपर में भी आया था इस तरह से। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और नीचे चलने के बाद यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं गाइस लिंक दे दिया गया था, यहाँ पर जाके आप यहाँ पर नो एक्टिव दे दिया गया है बल्कि यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते अभी। तो यहाँ पर गाइस नोटिफिकेशन दे दिया, चाहे तो आप नोटिफिकेशन के सामने क्लिक हेयर है उस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो गाइस चलिए हम आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बता देते हैं। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है, चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो देख सकते हैं ऊपर में प्रिंट का ऑप्शन है, चाहे तो यहाँ पर प्रिंट भी मार सकते हैं। तो चलिए गाइस अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।